एक एचपी का घर पे समरसेबल पंप चलाना है, दो एचपी का घर पे समरसेबल पंप चलाना है, तो कितने किलोवाट का पैनल उसके लिए लगेगा, उसके लिए कौन सा पीसीयू लगेगा, क्या हम पूरे दिन समरसेबल अगर हमें चलाना है तो क्या हम सीधा पैनल से चला सकते हैं, या हमें पैनल के साथ में अपने जो घर की मोटर है उसके साथ में हमें डोमेस्टिक लोड भी चलाना है, तो हम उसको कैसे चलाएं, कम से कम कितने पैनल की रिक्वायरमेंट होगी और कौन सा पैनल लगेगा। आज इस वीडियो में इन सभी सवालों के आंसर मैं आपको देने वाला हूँ। मेरे बहुत सारे वीडियोस पर अक्सर ये कमेंट रहता है, आप लोगों के जो फ़ोन्स आते हैं उनमें भी अक्सर ये आपका फ़ोन रहता है कि सर मेरे को फार्म हाउस पे अपना पंप लगवाना है, 4 घंटे 5 घंटे मेरा पंप चलना है, कितने किलोवाट का मेरे को पैनल लगवाना पड़ेगा, या मेरे को डायरेक्ट मोटर चलानी है तो मैं डायरेक्ट मोटर कैसे चलाऊं। अक्सर जो किसान भाई हैं उनका भी ये रहता है, मेरे वीडियोस में कमेंट रहता है कि सर किसानों के लिए भी आप कुछ बताइए कि जिसमें किसान अपना एग्रीकल्चर भी उसको यूज कर लें और डोमेस्टिक भी उसको यूज कर लें। तो फ्रेंड्स, आज ये वीडियो आप लोगों के लिए है और आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। जिन लोगों के घर में 1 HP का समरसेबल पंप है, 2 HP का समरसेबल पंप है, या इससे रिलेटेड सेम ऐसा ही लोड है कोई जैसे कि पंप का होता है, तो ये वीडियो आज आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और मीनिंगफुल होने वाला है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप पूरा देखें, और उसके अलावा वैसे तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको सभी सवालों के आंसर दे दूँ, पर वीडियो बड़ा नहीं करना है, वीडियो की लेंथ को लिमिटेड करने की वजह से अगर कुछ सवाल छूट जाते हैं तो कृपया उन सवालों को आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं उन सबका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो बना के दूंगा। फ्रेंड्स, मैं हूँ दीपक चौधरी, सोलर एक्सपर्ट अवार्ड होल्डर बाय PSGS इंडिया, और आप लोगों से उम्मीद है कि जैसे मेरे सारे वीडियोज़ आप लोगों को पसंद आते हैं, ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आएगा, और आप लोगों का जैसे मुझे लाइक करके बहुत ज़्यादा एक मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लाइक से, तो इस वीडियो पर भी बहुत सारे ढेर सारे लाइक्स मुझे मिलेंगे और अच्छे वाले कमेंट्स भी मुझे मिलेंगे। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है। तो फ्रेंड्स, एक एक करके मैं सभी सवालों के आंसर इस वीडियो में आप लोगों को दूंगा। तो पहला सवाल आपका ये होता है कि 1 HP का समरसेबल पंप चलाना है, उसके लिए कितने सोलर पैनल हमें लगाने पड़ेंगे। तो इसका बहुत सीधा सा आंसर ये है कि अगर आप ऑफ ग्रिड सिस्टम आप चला रहे हैं, आप सपोज आपने नेक्सस के 4 मॉडल आते हैं, 3175 नॉर्मल, 3175 कॉपर, 2 KVA MPPT 24 वोल्ट और 2.5 KVA MPPT 24 वोल्ट, आप ये चारों सिस्टम में से कोई सा भी सिस्टम ले सकते हैं। अगर आपका जो समरसेबल है वो 1 HP का है तो चारों में से हमारा आप जो भी आपको मना है वो आप PCU ले लीजिए। सारे 2 बैटरी के पे हैं ये PCUs, 2 वर्जन जो हैं इसके 3175 वाले वो PWM के हैं और जो 2 KVA 2.5 KVA है वो MPPT में है। तो आपने अगर इन वाले सिस्टम के साथ में आपने आपको अपना 1 HP का समरसेबल चलाना है तो उसके लिए कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको सोलर पैनल लगाना है। तो बेसिकली ये जो PCU है हमारे, ये पैनल और बैटरी दोनों को सिंक्रोनाइज करके आपका समरसेबल चला देगा। अगर आपका पैनल अवेलेबल नहीं है या पैनल कम है तो जो बाकी पावर है वो बैटरी से लिफ्ट कर लेगा। तो जितनी भी आपकी बैटरी के अंदर पावर है उस हिसाब से उतने बैकअप आपको समरसेबल पे आपके मिल जाएगा, और उसके लिए आपको 1 पैनल 2 पैनल 3 पैनल 4 पैनल जैसे भी हमारे सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। जो जैसे कि 2 KVA की अगर हम बात करें तो 2 किलोवाट आप पैनल लगा सकते हैं। तो अगर आपने 2 किलोवाट 1500 वाट 1000 वाट 500 वाट कुछ भी उसके ऊपर पैनल लगाया हुआ है उसको बैटरी के साथ सपोर्ट करके वो आपका सिस्टम चला देगा। तो पहला आपका आंसर ये है। दूसरा आपका ये है कि सर मेरे को ऑफ ग्रिड में नहीं जाना है, बैटरी बैंक नहीं लगाना है, फिर भी मेरे को 1 HP का समरसेबल चलाना है तो आप कैसे चलाएंगे। तो उसके लिए 2 ऑप्शन हैं, कि उसके लिए एक ऑप्शन ये है कि आप VFD ड्राइव आता है या नेक्सस का, हम लोग नेक्सस सोलर मास्टर बनाते हैं, आप वो 1 मास्टर लगा के उस पर आप पैनल लगा के चला सकते हैं। उसके लिए मैंडेटरी है कि आपको 2 किलोवाट का एटलीस्ट पैनल आपको लगाना ही लगाना पड़ेगा। ऑप्शन आपके पास ये है कि अगर आपके पास में सिंगल फेस का आपका जो पंप है वो सिंगल फेस का है तो जो नेक्सस का मास्टर PCU आता है, जो अपकमिंग मॉडल है आने वाला है, आप उसके साथ भी चला सकते हैं। उसके साथ आपको लिमिटेशंस ये हैं कि आपको एटलीस्ट 4 पैनल उसके ऊपर लगाने पड़ेंगे। अब वहाँ पर कंडीशन आपकी क्या बन जाती है कि जैसे कि आपका लो लाइट कंडीशन है तो लो लाइट कंडीशन में पैनल जो है वो उतना पावर नहीं दे पाएगा। तो उस कंडीशन में जब आपने खाली पैनल, विदाउट बैटरी में बात कर रहा हूँ कि बिना बैटरी के अगर आपको अपना समरसेबल चलाना है, तो उस कंडीशन में आपको उसी कंडीशन में वो आपका सिस्टम चला पाएगा कि जिस कंडीशन में पैनल को एक प्रॉपर धूप मिल रही है। मतलब आपने अगर 1500 वाट पैनल लगाया हुआ है तो एटलीस्ट 1200 वाट या जितना भी आपका सिस्टम आपका रिक्वायरमेंट है जो समरसेबल को चलने के लिए, उतना अगर लोड पैनल आपका प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपका वो इंटरप्टेड आपका जो समरसेबल है वो चल जाएगा।
अब बात कर लेते हैं इससे बड़े की, किसान भाई जो हैं वो किसान भाइयों का अक्सर मेरे को ये फ़ोन रहता है कि सर हमारे लिए भी कुछ बताइए कि हम क्या कर सकते हैं और कितना खर्चा आएगा, हमें 3 HP चलाना है, 5 HP चलाना है, 10 HP चलाना है। तो फ्रेंड्स उसके लिए क्या है कि उसके लिए जो अगर आपकी मोटर 3 फेस है तो 3 फेस चलाने का सिर्फ एक वन और ओनली वन सॉल्यूशन है, वो है नेक्सस सोलर मास्टर या VFD ड्राइव। आप दोनों ले सकते हैं बेसिकली, VFD ड्राइव और नेक्सस सोलर मास्टर में थोड़ा सा फ़र्क है। जो VFD ड्राइव है 3 फेस का, उसके साथ में अब अपना अपना जो है वो अब अपना 3 फेस का मोटर पंप आप चला सकते हैं। अब उसमें आपका सवाल ये होगा कि सर मेरे को 5 HP का समरसेबल चलाना है तो कितने पैनल मुझे लगाने पड़ेंगे। तो भाई लोगों प्रैक्टिकल मैं आपको बताऊं, प्रैक्टिकली ये है कि अगर आपको जितने HP का आपको अपना समरसेबल चलाना है उस उतने किलोवाट का पैनल आपको एटलीस्ट उस पर लगाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि भाई सुबह 7 बजे से शाम को 5 बजे तक मेरा जो है वो पंप जो है मेरा वो मेरा अनइंटरप्टेड चलता रहे और उसके अंदर जो वाटर फ्लो है उसका वो वाटर फ्लो कंटिन्यूस उसी फोर्स के साथ में बना रहे, तो उसके लिए मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि अगर आप पोली पैनल के साथ जा रहे हैं तो 5 HP की मोटर चलाने के लिए 7.5 किलोवाट का एटलीस्ट आप पैनल लगाएं। अगर आप मोनो पैनल के साथ जा रहे हैं तो करीब करीब आप 6-6.5 किलोवाट का पैनल लगाएं, और बाइफेशियल पैनल के साथ जा रहे हैं तो एटलीस्ट 5 किलोवाट का पैनल आप जरूर लगाएं। तो आपको वो अनइंटरप्टेड आपको जो आपका फोर्स है पूरा पंप का जो फोर्स होता है पानी का वो पूरा फोर्स आपको मैक्सिमम टाइम आपको मिल जाएगा। तो अब इसके अलावा दूसरा सॉल्यूशन अगर आप कहेंगे कि साहब मेरा तो ये है कि वहाँ पे ग्रिड भी अवेलेबल है और मेरे को ये है कि दिन में मेरा सोलर से चल जाए और रात को मेरा ग्रिड से चल जाए, तो जो नेक्सस का मास्टर PCU है वो दोनों के साथ में वो कंपेटेबल है, ग्रिड के साथ भी और सोलर के साथ भी। जब तक सोलर आ रहा है आप सोलर से चला लीजिए और उसके बाद में अगर वहाँ पे ग्रिड अवेलेबल है तो आप ग्रिड से भी उसको सिस्टम को चला सकते हैं। बेसिकली नेक्सस सोलर मास्टर का अभी अवेलेबिलिटी कंपनी के पास नहीं है, मैं सिर्फ आप लोगों की जो क्वेरीज होती हैं उनकी वजह से मैं आपको ये वीडियो बना के दे रहा हूँ। नेक्सस सोलर मास्टर की अवेलेबिलिटी में कम से कम अभी 30 दिन का समय लगेगा, उसके अंदर कुछ टेक्निकल इशू आ गए थे उनको हम रिसॉल्व करा रहे हैं। तो आप नेक्सस सोलर मास्टर के लिए आप कृपया फ़ोन ना करें और इंक्वायरी ना करें, 1 महीने बाद वेबसाइट पे वो अवेलेबल हो जाएगा तो आप सीधा वेबसाइट से आप उसको परचेज कर सकते हैं। ये बेसिकली आप अगर मास्टर नहीं है, नेक्सस सोलर मास्टर नहीं है, तो आप किसी भी कंपनी का VFD ड्राइव उसके अंदर लगा सकते हैं अगर आपके पास 3 फेस का आपको अपना समरसेबल पंप चलाना है। अब आपका एक सवाल ये होता है कि सर मेरे को 15-20 मिनट के लिए मेरे को समरसेबल पंप चलाना है, उसके बाद मेरे घर का वॉशिंग मशीन चलाना है, फ्रिज चलाना है, तो मेरे को कितने वॉट का सोलर सिस्टम लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स उसके लिए मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका हूँ, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि आप अपना जो आपका जो कंजप्शन यूनिट है आप वो कैलकुलेट कर लीजिए कि माना आपका जो कंजप्शन यूनिट है वो 10 यूनिट का आपका कंजप्शन होता है पर डे में, माना आज सुबह 7 बजे से कल सुबह 7 बजे की आप अपना मीटर की रीडिंग ले लीजिए, अगर 10 यूनिट का आपका कनेक्शन आ रहा है तो 10 यूनिट के हिसाब से आपको पैनल लगाना है, ना कि आपको किलोवाट के हिसाब से लगाना है। कुछ लोगों का क्या होता है कि सर मेरा जो है घर का मीटर जो है वो तो 1 किलोवाट का है, माना या 2 किलोवाट का है, तो 2 किलोवाट का पैनल मेरे लिए सफिशियंट रहेगा। तो वहाँ पे दिक्कत ये आती है कि वो बेसिकली किलोवाट में मेजर कर लेते हैं अपने लोड को, पर जबकि पैनल में किलोवाट से मेजरमेंट आप कर सकते हैं पर वो एक गलत तरीका है। सही तरीका ये है कि आपका जितने यूनिट का आपका कंजप्शन होता है एटलीस्ट उतनी यूनिट या उससे ज़्यादा यूनिट का आपको सोलर सिस्टम लगवाना है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको पोली पैनल के साथ जाना है तो पोली पैनल का एवरेज जनरेशन एक साल का अगर हम मान के चलते हैं 320 दिन का तो 4 यूनिट होता है, मोनोपर्क का 5 यूनिट होता है और मोनोपर्क बाइफेशियल का 6 यूनिट से प्लस जाता है। तो उसी हिसाब से आपको अपना पैनल लेना, माना कि आपका 10 यूनिट का खर्चा हो रहा है और आपको पोली पैनल के साथ में जाना है तो 2.5 किलोवाट आपको लगवाना पड़ेगा, मोनोपर्क के साथ जाना है तो 2 किलोवाट लगवाना पड़ेगा, और मोनोपर्क के साथ जा रहे हैं, मोनोपर्क बाइफेशियल के साथ आप जा रहे हैं तो आप किलोवाट का पैनल आप उसके ऊपर लगवाना पड़ेगा। अब कई लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि सर कम से कम पैनल मुझे कितना लगाना है कि मेरा ये सिस्टम चल जाए। तो फ्रेंड्स उसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं होता है कि आपको उतना ही पैनल लगाना है। सोलर के जितने इन्वर्टर्स होते हैं वो चाहे नेक्सस के हैं या वो किसी भी कंपनी के हैं वो सारे के सारे कंपेटेबल होते हैं विदाउट सोलर भी। मतलब अगर आपको अभी सोलर नहीं लगाना है तो आप कोई बात नहीं, अभी सोलर मत लगाइए, आप बैटरी और अपना ग्रिड अब उससे आप अपना लोड चला सकते हैं। इन फ्यूचर आपका कल को लोड बढ़ता है या आपको लगता है कि भाई अभी मेरा बजट में आ गया है कि सोलर लगवाना, तो आप इन फ्यूचर आप उस पर सोलर पैनल आप लगवा सकते हैं। तो मिनिमम के लिए कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है कि भाई इतना ही आपको पैनल लगवाना पड़ेगा तभी ही आपका सोलर इन्वर्टर ऑपरेट होगा।
तो ये मेरे बहुत सारे व्यूअर्स का अक्सर ये सवाल रहता है, तो इसलिए मुझे ये वीडियो आप लोगों को बनाना पड़ा। अब आप लोगों का एक सवाल ये भी होगा कि सर आप ये बता दीजिए कि आपके जो मॉडल्स हैं वो जो आपने चार मॉडल बताए हैं उनमें बेसिकली क्या क्या फ़र्क है और उसको क्या क्या प्राइसिंग है उसकी। उसके लिए फ्रेंड्स आपको हमारे जो यूट्यूब चैनल है उस पर आप वीडियो सेक्शन में जाइए और वीडियो सेक्शन में चारों मॉडल्स से रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाएंगे, अनबॉक्सिंग वीडियोज़ भी मिल जाएंगे और यूजर रिव्यू वीडियोज़ भी मिल जाएंगे। तो आप देख लीजिएगा, पूरी जानकारी उनके अंदर दी हुई है। अगर आपको परचेज करना है ये इनमें से कोई भी मॉडल परचेज करना है तो आप सीधा वेबसाइट है www.nexasolarenergy.in आप वहां पे जाके आप अपना प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। ईएमआई ऑप्शन भी वहां पे अवेलेबल है। अगर आपके पास में क्रेडिट कार्ड है आपका तो आप क्रेडिट कार्ड से भी अपना सिस्टम वो परचेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी और आपकी ये जो क्वेरीज है इस क्वेरी का भी आंसर मैंने आपको दे दिया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने आखिर तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बार बार धन्यवाद।